प्यार को समझने और परखने के लिए बड़े से बड़े धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी कॉलेज या स्कूल में दाखिले लेने की भी जरूरी नहीं पड़ती। प्यार तो एक ऐसी चाहत और फीलिंग्स होती है जो सामने वालों की आंखों में साफ साफ देखी जा सकती है। उसकी जज्बातों के एहसास में प्यार की झलक देखी और समझी जा सकती है। आदरणीय श्रोता नमस्कार, सुन रहे हैं अभी आप लोग स्टोरी विथ अरुण, और स्टोरी विथ अरुण के साथ में मैं हूं आप लोग का हर पल का आरजे दोस्त अरुण गिरी। रात्रिकालीन प्रहर में स्टोरी विथ अरुण पर आज सुनेंगे आप लोग ए वी शर्मा जी की लिखी कहानी मोहब्बत या कुर्बानी। इसी कहानी की तीसरी कड़ी यानी कि भाग तीन लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। रात के करीब 10 बज चुके हैं और इस रात्रिकालीन के प्रहर में मैं अपने रिकॉर्डिंग स्थल से इस कहानी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बीते हफ्तों में आप लोग इस कहानी के दो भाग सुन चुके हैं और आप लोग समझ चुके होंगे फ्रेंड्स कि ये कहानी होमोसेक्सुअलिटी और गे लव रिलेशनशिप पर आधारित कहानी है, यानी कि समलैंगिक रिश्तों पर आधारित। हालांकि हमारे समाज में अभी तक इन रिश्तों को मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन फिर भी इन रिश्तों की वजूद और इनकी कहानी हर घर, हर कस्बों और हर देशों में मिलती है। हमारी ये कहानी भी ऐसे ही दो लड़के प्रकाश और दीपक की कहानी है। दीपक कब मन ही मन प्रकाश को चाहने लगा था उसे खुद ये मालूम न चला, और प्रकाश को भी इस बात की कोई एहसास नहीं होती। प्रकाश बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुका होता है और अपने चाचा के अत्याचारों के कारण घर छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात दीपक से होती है। दीपक उसे अपने घर लाता है। दीपक की मम्मी और उसकी बहन भी प्रकाश को बहुत अच्छे से घर में रखते हैं। सब लोग समझते हैं कि दोनों दोस्त हैं, लेकिन कब दीपक मन ही मन प्रकाश को अपना दिल दे बैठा, उसकी मासूमियत और उसके चेहरे पर फिदा हो गया, उसे खुद मालूम न चला। इसी बीच दीपक प्रकाश के लिए एक जॉब भी ढूंढ देता है और अब दीपक अपने पूरे फैमिली के साथ प्रकाश को लेकर भी बाहर घूमने के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं दीपक और प्रकाश की इन लव स्टोरी का आगे का मंजर क्या होता है। इससे पहले कि आज की ये कहानी मैं शुरू करूं, आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि स्टोरी विथ अरुण पर हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक रचना आप लोग सुन सकेंगे। तो जो फ्रेंड्स हिंदी कथा कहानी और साहित्य को सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप अपनी मन की बात हमें बताना न भूलिएगा। तो चलिए अब इस रात्रिकालीन प्रहर में आप लोगों को सुना रहा हूँ मोहब्बत या कुर्बानी, इसी कहानी की तीसरी कड़ी। कहानी के लेखक है ए वी शर्मा जी और उसे स्टोरी विथ अरुण पर अपनी आवाज़ दे रहा हूँ मैं आप लोग का आरजे दोस्त अरुण गिरी। तो चलिए कहानी की तीसरी कड़ी शुरू करते हैं। दीपक अपने फैमिली के साथ प्रकाश को लेकर घर से निकल जाता है। सब बाहर घूमने जाते हैं। आज पहले सब लोग गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए जाते हैं, फिर सिटी में घूमते हैं। दीपक प्रकाश को खुश करने की हर कोशिश कर रहा था,
पर प्रकाश के चेहरे पर वो खुशी अभी तक भी देखने को नहीं मिली जो वो देखना चाहता था। प्रकाश की उदास चेहरा जिसे दीपक को अंदर तक झकझोर देती थी, वो उसे हंसता खेलता मुस्कुराता खुश देखना चाहता था। लेकिन प्रकाश के जिंदगी के गम उसके दुखों के सागर उसे खुश नहीं होने दे रहे थे। फिर सभी मूवी देखने जाते हैं, उसके बाद बाहर लंच करते हैं। दीपक प्रकाश को खुशी के लिए उल्टे सीधे जोक भी सुनाता है, पर बावजूद इसके प्रकाश के फेस पर कोई स्माइल नहीं दिख रही थी। दीपक मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कैसे कैसे प्रकाश को खुश कर उसके चेहरे पर स्माइल लाऊं, उसकी जिंदगी के सारी दुखों को दूर कर दूं। दीपक अपने मां से बोला, मम आप स्वाति को लेकर घर चलिए, हम थोड़ा और घूम कर आते हैं। और फिर इसके बाद दीपक मम और स्वाति को घर भेज देता है और खुद प्रकाश को लेके सिटी से बाहर एक नहर के किनारे ले जाता है। वो एक सुनसान जगह थी जहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। प्रकाश ने कुछ आश्चर्य से कहा, हम यहाँ क्यों? दीपक ने जवाब दिया, मुझे सिटी का शोर शराबा पसंद नहीं, मैं अक्सर यहाँ आया करता था कभी कभी, आज सोचा तुम्हें भी साथ लेता हूँ, चलो वहाँ नहर के किनारे बैठते हैं, कितनी सुकून और शांति महसूस होती है यहाँ। फिर दोनों जाके नहर के किनारे पानी में पैर डालकर बैठ जाते हैं। दीपक कहता है, प्रकाश क्यों उदास हो यार तुम? क्यों तुम अपना बीता कल, बीते हुए कल भुला नहीं सकते? क्यों तुम अपना बीता कल नहीं भूलना चाहते? दीपक कहता है, जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे अपने बीते हुए कल को भूलने की, तब तक तुम अपने दुखों से बाहर नहीं निकल सकते। दीपक प्रकाश का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। यार मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूं तुम्हें खुश करने की, पर ये उदासी तुम्हारे चेहरे से जाती ही नहीं। क्या तुम मेरे लिए अपने गुजरे कल को भुला नहीं सकते? क्या तुम मेरे साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते? मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, हंसते मुस्कुराते हुए। क्या तुम मेरी खुशी के लिए खुश नहीं रह सकते? क्या तुम मेरे लिए नहीं मुस्कुरा सकते? दीपक की बातों को सुनकर प्रकाश थोड़ी देर उसे बस देखते हुए चुप रहता है। फिर, नहीं यार, अब मुस्कुराने से डर लगता है। अगर भगवान एक पल के लिए खुशियां देता है तो उसे छीन भी जल्दी ही लेता है और फिर हमेशा के लिए दुख ही दुख रह जाता है लाइफ में। इन हालातों में मैं कैसे मुस्कुराऊं? दीपक बोला, डियर मुझ पर विश्वास तो करते हो ना? प्रकाश उसे देखते हुए बोला, हाँ खुद से भी ज्यादा। तो खुद के लिए ना सही, मेरे लिए ही खुश रह के देख लो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। फिर दोनों बस एक दूसरे को गहरी आंखों से देख रहे थे। दोनों पानी में पत्थर मारने लगते हैं और पानी में पत्थर उछाल रहे होते हैं। एक मिनट के लिए दोनों अपने दुखों को भूल के अपने बचपन वाली लाइफ में खो जाते हैं। दीपक पानी को हाथों से उछाल के प्रकाश के ऊपर डाल रहा होता है
और प्रकाश भी दीपक के ऊपर पानी की कुछ बूंदे डालने लगता है और दोनों खेलते खेलते नहर में गिर जाते हैं और नहर के पानी में मस्ती करने लगते हैं। वो जो खुशी दीपक प्रकाश के चेहरे में देखना चाहता था, शायद अब जाकर वो खुशी उसके चेहरे पर देखने को मिली थी। वही मस्ती, जैसे फिर से बचपन का दिन लौट आया हो। ये बचपन के दिन भी कितने यादगार होते हैं ना, कितनी सुहावनी और कितना रोमांचक, सारे दुखों और सारी परेशानियों से दूर, ना ही कोई जिम्मेदारियां का बोझ होती है और ना ही भविष्य की कोई फिक्र, बस मस्ती और शरारत भरे यादगार दिन। प्रकाश दीपक के ऊपर हाथ से पानी फेंक रहा होता है। दीपक प्रकाश का हाथ पकड़ लेता है और प्रकाश को अपनी तरफ खींचता है। अचानक की इस हरकत से प्रकाश डर जाता है और डर कर उसके चेहरे का रंग उड़ जाती है। दीपक एकदम प्रकाश के करीब आ जाता है और प्रकाश अपनी आंखें बंद कर लेता है। दीपक मुस्कुराते हुए प्रकाश की नाक पकड़ के खींचता है। प्रकाश आंखें खोल लेता है और दीपक को पानी में धक्का दे देता है। दोनों काफी देर तक पानी में मस्ती करते रहते हैं। शाम का टाइम होने लगता है, हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगती है। दोनों पानी से भीगे हुए होते हैं, सारे कपड़े पानी से भीग चुके होते हैं। दीपक बोला, चलो अब घर चलते हैं। प्रकाश बोला, हाँ ठंड लगने लगी है, चलो चलते हैं। और फिर दोनों टहलते टहलते घर की तरफ जाने लगते हैं। दोनों आज बेफिक्र घूम रहे हो, जैसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। दोनों को जैसे दोनों इस पल की ही तलाश में थे। और आज जैसे कितने दिनों बाद दोनों की जिंदगी में ये पल आया था। फिर दोनों घूमते घूमते घर पहुंच जाते हैं। माँ जैसे ही दोनों को देखती है, हे भगवान ये क्या है? दोनों बच्चों की तरह सारे कपड़े भिगा के आए हो? दीपक डरते हुए बोला, ओ मैं नहर के किनारे हम लोग बैठे तो पांव फिसल गया और हम दोनों नहर में गिर गए। दोनों के चेहरे में आज एक अजब सी चमक थी। मां बोलती है, जल्दी से दोनों अंदर जाओ और कपड़े चेंज करो। फिर दोनों अंदर रूम में चले जाते हैं। मां स्वाति से बोली, आज दोनों के चेहरे पर एक अजब सी खुशी है। बहुत दिनों बाद ऐसी खुशी देखी है मैंने अपने बेटे के चेहरे पर। नहीं तो बस हर वक्त काम के प्रेशर और जॉब के टेंशन के कारण इसकी चेहरे पर ऐसी खुशी कितने दिन के बाद आज देखने को मिली है। स्वाति बोली, हाँ माँ आज भैया बहुत खुश दिख रहे थे। माँ बोली, मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, उसकी खुशी को किसी की नजर ना लगे। स्वाति, जी माँ। माँ बोली, चलो खाना बनाते, बच्चों को भूख भी तो लगी होगी ना। और फिर माँ स्वाति के साथ किचन में चली जाती है। दीपक और प्रकाश रूम में कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। प्रकाश को ठंड से छींके आ रही होती है। दीपक, अरे यार तुम्हें तो सर्दी लग गई। प्रकाश, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो तो माँ को बोल के एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनवाता हूँ। दोनों कपड़े चेंज करके बाहर आ जाते हैं और प्रकाश को छींके आनी अब तेज हो जाती है।
दीपक बोला, यार तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी है। और इतना कह के दीपक स्वाति को पुकारता है, स्वाति स्वाति। स्वाति आती है। जी भैया। स्वाति, प्रकाश के लिए एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाओ। जी भाई, अभी लाती हूं। स्वाति किचन में एक गर्मा गर्म चाय बनाने को जाती है और फिर कुछ ही देर बाद वो प्रकाश को चाय देती है। लीजिए भैया, पी लीजिए। शुक्रिया स्वाति जी, स्वाति जी। चाय पीने के बाद प्रकाश को कुछ राहत सी महसूस होती है। चाय के बाद सब खाना खाते हैं और प्रकाश को लेकर दीपक रूम में चला जाता है। प्रकाश कंबल ओढ़ लेता है। उसे बेहद ठंड लग रही होती है। उसकी ऐसी हालत देख के दीपक को चिंता होने लगती है। एक तो ठंड का महीना, ऊपर से नहर के ठंडे पानी में उतना देर तक भीगना। शायद प्रकाश कुछ ज्यादा ही ठंड में एक्सपोज हो चुका था, जिसके कारण अब उसकी ये हालत हो गई थी। उसकी ऐसी हालत देखो दीपक को अब डर लगने लगा था। दीपक भी प्रकाश के साथ लेटे जैसा ही प्रकाश कांप रहा होता है। दीपक ने उसके बदन को छुआ, उसे बुखार भी था। दीपक प्रकाश को टाइट हग करके सोता है और प्रकाश भी दीपक को हग कर लेता है, जिससे प्रकाश को दीपक के जिस्म की गर्मी मिलने लगती है। कुछ टाइम बाद प्रकाश कांपना बंद कर देता है, बट फीवर अब ज्यादा ही बढ़ रहा था। दीपक को प्रकाश की ऐसी हालत देख के टेंशन होने लगी, क्योंकि प्रकाश का फीवर ज्यादा बढ़ गया था तो वो बेहोश हो चुका था। दीपक डॉक्टर को तुरंत कॉल करता है और डॉक्टर रात को ही आ जाते हैं। दीपक मम और स्वाति को भी जगा लाता है। दोनों रूम में आ जाती है। बुखार बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण प्रकाश बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ाने लगता है। प्रकाश की ऐसी हालत देखकर माँ भी चिंता करती है। तभी कुछ देर में वहां डॉक्टर आ जाते हैं और प्रकाश को चेक करते हैं, एक इंजेक्शन और दवाई देते हैं। डॉक्टर कहते हैं, देखिए मिस्टर दीपक, मैंने दवा दे दिया है, इसे अभी खिला दीजिए। फीवर बहुत ज्यादा है, अगर मॉर्निंग तक कम ना हुआ तो मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, दीपक ने उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए कहा और दीपक डॉक्टर को बाहर तक छोड़ देता है। फिर वापस आके प्रकाश को जगाने की कोशिश करता है, पर प्रकाश की आंखें तक भी नहीं खोल रहा था। फिर जैसे तैसे दीपक प्रकाश को दवाई खिलाता है, उसे पानी पट्टी देता है और फिर सब सोने चले जाते हैं और दीपक भी प्रकाश को हक करके सो जाता है। डॉक्टर की दी हुई उस दवाइयों का असर था या फिर दीपक के प्यार स्नेह और उसकी सेवा का फल। प्रकाश का बुखार अब कुछ कम हो रहा था। दीपक को यकीन था कि प्रकाश का बुखार अब उतर जाएगा और इसी उम्मीद के साथ वो प्रकाश को हग करके सो जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी की तीसरी कड़ी, जिसमें प्रकाश और दीपक के उन्मादी प्यार के सुरूर का हल्का हल्का रंग जो दोनों के अंदर बढ़ रहा होता है, लेकिन दोनों अभी भी अनजान थे एक दूसरे की इस चाहत और कशिश से। आगे इन दोनों की चाहत और कशिश कौन सा नया मोड़ लेता है, ये हम लोग जानेंगे कहानी के अगले अंक में, यानी कि इसके चौथे एपिसोड में, जिसे लेकर आऊँगा मैं अरुण गिरी नेक्स्ट श्रृंखला में। लेकिन जाने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। हिंदी कथा कहानी और साहित्य का ये चैनल है। आप लोग को जाने से पहले मैं ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि अब होली आने वाली है और होली के शुभ अवसर पर होली स्पेशल महा वीकेंड के कल के एपिसोड में मैं लाइव आ रहा हूँ आप सभी से मिलने और दिल की बातें करने। कल शाम 6 बजे स्टोरी विथ अरुण के इसी यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण गिरी आप सभी का आरजे दोस्त मैं लाइव आ रहा हूँ आप सभी से बातें करने के लिए। आप तमाम लिसनर्स से मेरा अनुरोध है फ्रेंड्स कि आप सब भी जरूर ऑनलाइन आइएगा कल शाम 6 बजे और दिल की बातें मेरी अब तक लिखी होली पे होली की विशेष गजल कविता शेरो शायरी के साथ होंगी होली से रिलेटिव कुछ दिलचस्प बातें। और साथ ही हमेशा की तरह आप तमाम लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स के सवालों के जवाब भी दूंगा, फिर चाहे वो सवाल मेरे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हो। तो हाँ फ्रेंड्स, जो भी सवाल होंगे आपके, जो भी आप पूछना चाहते हो मुझसे, तो प्लीज़ कल ऑनलाइन आइएगा शाम 6 बजे लाइव मैं आप सभी के सामने हाजिर रहूँगा आप सभी के पूछे गए सवालों के साथ, उन सवालों के जवाब के साथ। और साथ ही फ्रेंड्स, होली मिलकर एक साथ सेलिब्रेशन करेंगे, तो होली के शुभ अवसर पे होली महा सेलिब्रेशन एपिसोड कल शाम 6 बजे स्टोरी विथ अरुण पर लाइव आ रहा हूँ आप सब भी जरूर आइएगा। जाने से पहले आपको ये भी बता दूँ फ्रेंड्स कि मोहब्बत या कुर्बानी एवी शर्मा जी की लिखी ये कहानी आप लोग सुन रहे थे, इसका तीसरी कड़ी। कहानी आप लोग को कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। होमोसेक्सुअलिटी और गे लव रिलेशनशिप LGBT कम्युनिटी के लोगों और समलैंगिक रिश्तों को समाज में स्थापित करने और इनके प्रति हमारे मन में जो घृणा नफरत तिरस्कार है उस सब को कम करके लोगों की आंखों पे जो अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं का जो पट्टी बंधा हुआ है उस पट्टी को हटाने के लिए और LGBT कम्युनिटी के लोगों को समाज में फिर से स्थापना करने के लिए स्टोरी विथ अरुण की ये एक छोटी सी पहल। आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कहानी आप लोग को कैसी लग रही है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल के एपिसोड में फिर से मिलूंगा। कल शाम 6 बजे लाइव आप सभी से मिलने आ रहा हूँ आप सब भी जरूर आइएगा। हमेशा अपने से बड़ों का आदर भाव और सत्कार कीजिए, अपने से छोटे को माया ममता और दुलार दीजिए। इसी दिव्य वचन के साथ मैं आप सभी का आरजे दोस्त अरुण गिरी भी आज की श्रृंखला से विदा चाहता हूँ। फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।